सर जिस प्रकार आप देखे कंडी कंडी क्षेत्र में इतने अच्छे जो सेब की खेती हुई है, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए, आज इस समय हम रांजड़ी जो हमारा विजयपुर विधानसभा क्षेत्र में गांव है वहाँ है, और जहाँ पर हमारा एक बहुत बड़ा साहिब बंदगी का आश्रम है। तो आप देख रहे हैं कि हमारे जो साहिब हैं उन्होंने जहाँ पर एक लीला सी बना रखी है। लोगों को प्रेरणा तो मिलती है, आध्यात्मिक प्रेरणा भी मिलती है, मन को शांति भी मिलती है, और जीवन पद्धति भी मिलती है, और जीवन को कैसे व्यतीत करना है वो भी मिलता है, और सही दिशा की ओर कैसे आगे बढ़ें वो सारी बातें हैं। लेकिन उसके अलावा भी आज जो हम देख रहे हैं कि ये कंडी क्षेत्र जो रांजड़ी का है, यहाँ पर इन्होंने, मैं अगर सही मैंने मैं कहूँ तो कश्मीर से भी सुंदर जगह जो है वो बना कर रखी है। अगर आप को ये ना बताया जाए कि आप कहाँ खड़े हैं, आंखों पर पट्टी बांधकर अगर आपको रांजड़ी साहबंदगी जी के आश्रम में लाया जाए तो आपको लगेगा कि मैं श्रीनगर में हूँ। ये सेब जो देख रहे हैं आप, पूरे फल लगे हुए हैं और बहुत सुंदर और मीठे हैं, और जहाँ पर सब्जियाँ इतनी लग रही हैं और वातावरण बड़ा स्वच्छ है और बहुत ही सुंदर, और यहाँ आकर शांति भी प्राप्त होती है। मुझे लगता है कि ये जो एक धारणा थी कि भाई कंडी क्षेत्र में सेबों का उत्पादन नहीं होता, लेकिन आज साहब जी के चमत्कार से जहाँ पर आपने देखा कि सेबों के बाग लगे हुए हैं, और मुझे लगता है टनों के हिसाब से यहाँ पर सेब जो है वो तैयार हो रहे हैं, और सब्जियाँ जो हैं आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तैयार हुई हैं। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं यहाँ पर महाराज जी के दर्शन करने के लिए हमेशा कभी कभार जब समय मिलता है तो आता रहता हूँ। इनका सौभाग्य, हमारा सौभाग्य कि हमें इनका आशीर्वाद भी प्राप्त होता रहता है। मुझे लगता है कि एक बार जरूर रांजड़ी आश्रम में आकर आप इसकी सुंदरता को देखें, और जहां जब भी आप आएंगे तो उसके बाद फिर बार बार आएंगे। मेरा यही मैसेज है कि जहां के प्रेरणा लेकर जाएं, अपने जीवन को भी सुधारें, लोगों को भी सुधारें, और वातावरण जो आज के दौर में इस समय देश और दुनिया को जरूरत है पर्यावरण की, उस पर्यावरण को शुद्ध करने में अपना योगदान भी दें। यहाँ आकर मुझे ये भी पता चला कि ये जो कोरोना वायरस के युद्ध के दौरान आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जो देश के प्रधानमंत्री और देश की जो इस समय सरकार है, उन्होंने जब जब भी जो दिशा निर्देश दिए तो इस आश्रम के जितने भी कर्मचारी हैं उन्होंने उसका पालन किया। मुझे खुशी इस बात की है कि स्वयं महाराज जी साहब जी जो हैं उन्होंने यहाँ जो विजयपुर बड़ी ब्रह्मणा सांबा और आसपास के जो प्रवासी मजदूर थे, कठुआ हो चाहे उधमपुर हो वगैरह वगैरह, तो वहाँ पर भी इन्होंने भोजन की व्यवस्था की, और जहाँ तक मुझे पता चला कि 10,000 रोज लोगों को भोजन करवाने की व्यवस्था जो थी वो साहिब जी की तरफ से की गई, और रोजाना जहां से लोग जो थे बाहर जाते थे झोंकी झोंपड़ियों में, और वहां पर लोगों को अच्छी तरह व्यवस्था के अनुसार लॉकडाउन का पालन करते हुए उनको भोजन करवाया करते थे। और आज मुझे साहिब जी ने खुद बताया कि चाहे वो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट हो, रियासी हो, या जम्मू हो, या सांबा हो, जहां से भी कभी अगर किसी को जरूरत पड़ती है तो साहिबंदगी आश्रम का वो उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि क्वारंटाइन करने के लिए ही कुछ लोगों की जरूरत है, जहां पर जगह की कमी है, तो इन्होंने कहा कि अभी मेरा आश्रम है, खुला है, जब भी कोई चाहे तो जहां आए और लॉकडाउन के दौरान उनको जहां पर आप ठहरा सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मुझे हमारे एक कार्यकर्ता हैं जया जी, उनके द्वारा ही पता चला कि इस लॉकडाउन के दौरान इस क्षेत्र में जितनी सेवा, मानव सेवा, नारायण सेवा जो है साहिब जी ने की है, शायद ही कोई कर पाया हो। गवर्नमेंट भी सक्षम नहीं थी, लेकिन साहिब जी की कृपा से सारा जो है ये बंदोबस्त किया गया था। मैं साहिब जी के चरणों में वंदना करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करना चाहूंगा, और लोगों से कहूंगा कि एक बार आकर जरूर इस आश्रम का चक्कर लगाएं, देखें, आपके मन को शांति तो मिलेगी, लेकिन आने वाले दिनों में हम कैसे इस देश और समाज को आगे ले जाएं वो प्रेरणा भी जो है वो मिलेगी। सर, जिस प्रकार जम्मू क्षेत्र के एक छोटे से गांव से ये पंथ पूरे विश्व में फैल गया है, उसके बारे में आपका क्या राय है? देखिए, मुझे जब ये पता चला कि जम्मू कश्मीर से ही शायद पहले काम जे साहिब जी ने शुरू किया था, पहले पहले तो हम सुना करते थे जब छोटे थे, लेकिन जैसे ही बड़े हुए, राजनीति में आए, जब संपर्क में आए, तो मुझे पता चला कि निस्वार्थ भाव से सेवा करना ही सबसे पहला धर्म जो है वो साहिब जी ने किया। ये जो टोना टोटका और जो अंधविश्वास में कई लोग पड़े रहते हैं उनको वहां से बाहर निकालना ही इनका जो है वो काम रहा है। लेकिन आज यही वजह है कि
निस्वार्थ भाव से सेवा करना और लोगों को सही दिशा की ओर ले जाना, सही दिशा दिखाना और किसी बिना किसी लोभ लालच के नारायण सेवा करना, गरीब की सेवा करना, समाज की सेवा करना जो लक्ष्य इन्होंने लिया था, उसी की वजह से आज हजारों की संख्या में जो आश्रम है वो साहब बंदगी है के हैं, साहब जी के हैं, और लोगों में दिन प्रतिदिन जो है वो साहब जी के प्रति श्रद्धा जो है वो बढ़ती जा रही है। एक एक आश्रम जो है वो आश्रम जो है वो सेवा भाव से काम कर रहा है, जम्मू कश्मीर के अलावा भी पूरे देश भर में और देश भर के अलावा पूरी दुनिया में वी साहब जी के अनुयायी हैं, साहब जी के आश्रम हैं, और वहां पर हर जगह यही काम जो है निस्वार्थ भाव से सेवा करना और लोगों को सही दिशा की ओर आगे ले जाना, यही प्रेरणा देना जो है साहब जी का काम है। और बहुत अच्छा लगा, मैं तो बहुत प्रभावी हुआ हूं। मैं चाहूंगा कि जो भी मेरी इस बात को सुन रहे हैं वो आए और देखें ये जो रांझणी में कश्मीर बनाया हुआ है, सेवों के बाग। मैं कह रहा था ना कि अगर आप आकर जहां आंखें खोलें तो आपको लगेगा कि भाई मैं श्रीनगर में हूं या कहीं स्विट्जरलैंड में हूं। ऐसा माहौल जहां का बना हुआ है तो जरूर आप यहां कर प्रेरणा लें और आपके मन को भी शांति मिलेगी और आने वाला जीवन आपका सुखी होगा।